बुरहानपुर शहर में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर जिला कांग्रेस पार्टी ने अपर कलेक्टर रामानुज टोपको एवं एसपी को ज्ञापन देते हुए कहा कि गणपति नाका से लेकर शिकारपुरा थाना के बीच में लगातार आम नागरिक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन भी इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। सिंधी बस्ती बाईपास बनने के बावजूद शनवारा हाईवे से बड़े वाहन गुजर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं पर काबू नहीं हो पा रहा है। सैकड़ों परिवार के चिराग बुझ गए हैं और हमारे क्षेत्र की विधायक महिला एवं बाल विकास मंत्री को इस बात की फिक्र नहीं। जिला प्रशासन भी मंत्री के आगे कठपुतली बना हुआ है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा, यातायात व्यवस्थित करने के लिए हमारे द्वारा ज्ञापन देकर कुछ मांगे की जा रही है। अगर जिला प्रशासन दो दिन में हमारी मांगे नहीं मानता है तो हम शनवारा चौराहे पर चक्का जाम करेंगे। हमने आज कलेक्टर महोदय से और एसपी महोदय से मांग की है कि उतावली पुल से लेकर ताप्ती पुल तक तुरंत डिवाइडर की व्यवस्था की जाए, चाहे टेम्पररी डिवाइडर बने चाहे परमानेंट बने, इसकी व्यवस्था करके वन वे ट्रैफिक किया जाए और जो साइड में अनावश्यक रूप से गाड़ियां खड़ी होती है, चाहे ट्रक्स होते हैं चाहे और भी होता है, इनको तुरंत वहाँ से हटाया जाए। और जो पुलिस की अवैध वसूली जगह जगह खड़े होकर जो वसूलने का काम पुलिस ने प्रशासन ने किया है, इसको तुरंत रोका जाए और आम जनता को राहत दी जाए। और कभी हमारे इन बात को लेकर, क्योंकि ये आज की तारीख में ऐसी समस्या है जिससे कि हमारे बुरहानपुर के 4 दिन में 7 होनहार लोग काल के जाल में समा गए, तो अब हम कभी नहीं मानते, नहीं कुछ हमारे बातों पर अमल नहीं होता तो हम 2 दिन बाद शनवारा चौराहे पर ही विशाल आंदोलन करेंगे। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।